नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल राज टीचर्स हेल्पलाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि DDO द्वारा पे मैनेजर पर बनाए गए सभी यूजर को डिलीट कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में हम DDO द्वारा पे मैनेजर पर बनाए गए सभी यूजर को डिलीट करने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे और साथ में हम जानेंगे कि क्या DDO इन सभी यूजर को डिलीट कर सकता है और अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है और अगर नहीं कर सकता है तो फिर इस समस्या का क्या समाधान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाएं। साथियों, आप जानते हैं कि हाल ही में पे मैनेजर पर लॉगिन करने की प्रोसेस को बदल दिया गया है। अब पे मैनेजर पर DDO लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करने पर DDO के मोबाइल पर OTP जाता है और बार बार OTP जाने की समस्या का समाधान हमने पिछले वीडियो में देखा था। पिछले वीडियो में हमने सभी यूजर क्रिएट करने की प्रोसेस के बारे में देखा था। अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। सभी यूजर को डिलीट करने के लिए आपको पे मैनेजर पर लॉगिन करना होगा। तो चलिए DDO आईडी और पासवर्ड की मदद से पे मैनेजर पर लॉगिन कर लेते हैं। DDO आईडी और पासवर्ड की मदद से पे मैनेजर पर लॉगिन के बाद आप पे मैनेजर पर आ जाते हैं। अब आपको पता होगा कि DDO द्वारा पे मैनेजर पर सभी यूजर कैसे बनाए गए हैं। अगर आपको सभी यूजर बनाने की प्रोसेस की जानकारी नहीं है तो हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो को देखें और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप यह वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि पे मैनेजर पर सब यूजर क्रिएट और डिलीट करने की प्रोसेस के लिए आपको सिस्टम एडमिन में आना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्रिएट यूजर पर क्लिक करना होगा और यहाँ आकर आपको एडिट यूजर को सेलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ जो नीचे सब मेन्यू आ रही है, सेलेक्ट यूजर मेन्यू आ रही है जिसमें परमिशन मेन्यू दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से यूजर को सेलेक्ट कर लेना है। जो आपने सब यूजर बना रखा है उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ यूजर को सेलेक्ट करते ही आपके सामने इधर बाईं तरफ यूजर से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स आ जाती है और यहाँ परमिशन मेन्यू में वो डिटेल्स आ जाती है जिनकी ऊपर काम करने के लिए आपने या जिन बिलों से संबंधित परमिशन आपने उस यूजर को दे रखी है। तो साथियों, आपको बता दूं कि सब यूजर को हटाने की प्रोसेस अभी पे मैनेजर पर डाली नहीं गई है। तो क्या तरीका है उस यूजर को, सब यूजर को पे मैनेजर पर काम करने से रोकने का, तो इसके लिए आपको यहाँ इन बिलों की जो परमिशन दी गई है आपके द्वारा सब यूजर को, इन सबको यहाँ से अनचेक कर दें एक एक करके। और अनचेक करने के बाद में नीचे आकर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इनको सबको अनचेक करना है एक एक को, जो भी आप उसको परमिशन रद्द करना चाहते हैं। तो हालांकि अभी फिलहाल पे मैनेजर पर सभी यूजर डिलीट करने की प्रोसेस नहीं आई है, प्रॉब्लम को हम दूसरी तरह से हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए हम इन सभी यूजर को दी गई परमिशन को रद्द कर देंगे और रद्द करने के बाद वह यूजर एक तरीके से इनएक्टिव हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा कोई काम। तो इसलिए आपको इनको अनचेक करके अपडेट बटन पर क्लिक करना है। अपडेट करने के बाद में ही सारी जो परमिशंस होती है सब यूजर के पास वो डिलीट हो जाती है एक तरीके से, और यूजर डीएक्टिव हो जाता है। हालांकि वो डिलीट नहीं हो पा रहा सब यूजर, लेकिन डीएक्टिव जरूर हो जाता है क्योंकि अब उसे कोई परमिशन ही नहीं है पे मैनेजर पर काम करने की, तो वह काम नहीं कर पाएगा, तो एक तरह से डिलीट के बराबर ही है। तो साथियों, इस प्रोसेस की मदद से आप सब यूजर को डिलीट तो नहीं कर सकते लेकिन पे मैनेजर पर उसे काम करने से जरूर रोक सकते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और अगर कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।